जय हिंद। हेलो रोन, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है चलिए तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 3.2 को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के लिए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी 3.3 के लिए जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आव्यूह का ट्रांसपोज क्या है, यानी आव्यूह का परिवर्त क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर क्या है, परिवर्त है, परिवर्त। अब यह किसका परिवर्त है, तो मैट्रिक्स का, किसका, मैट्रिक्स का परिवर्त है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज कहा जाता है, ट्रांसपोज, ठीक है। अगर मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, यह ए कोई जो है मैट्रिक्स है, 2, 3, 4 और यहाँ पर है आपको 0, 1, 2। तो यह ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन यदि कहा जाएगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, तो बस जैसे ही ट्रांसपोज कहेगा, ट्रांसपोज मतलब क्या आपसे बोल देगा, परिवर्त, ट्रांसपोज, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है परिवर्त कहा जाता है, परिवर्त कहा जाता है। तो जैसे ही कहा जाएगा कि मैट्रिक्स ए जो है इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, ए ट्रांसपोज या परिवर्त ए, ठीक है, ट्रांसपोज ए या परिवर्त ए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ए या परिवर्त ए। तो जैसे ही यह ट्रांसपोज हो गया, तो ये तो अगर ये ए रहता, ये देखिए ये ए है, ठीक है, लेकिन यह क्या है, ट्रांसपोज ए है। तो जो आपको यह जो पड़ा में दिखाई दे रहा है, यह जो है पड़ा जो है ऐसे जो है इसको ऐसे कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2, नीचे हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4। ये भी क्या है आपको, तो ये भी पड़ा है, इसको खड़ा कर दीजिए, तो 0 जो है ऊपर होगा, 1 नीचे होगा और 2 जो है नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए को जो है ज्ञात कर सकते हैं। आइए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यदि आपको नोट्स पीडीएफ या टेस्ट सीरीज, इन सारी बातों के बारे में जो है आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो, और आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज दे और पीडीएफ डाउनलोड करें, मतलब ताकि जो है आपका पढ़ाई और बेहतरीन तरीके से हो सके, वैसे तो आप लोग यूट्यूब के थ्रू जो है, यूट्यूब के माध्यम से जो है आप लोग को लाइव क्लास, यानी डेली की डेली जो है वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जा रहा है, तो इसको भी देखें, साथ ही साथ जो है नोट्स पीडीएफ, वहाँ पर जो मटेरियल है, वहाँ पर जो कंटेंट है, उसको समझे, उसको याद करे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे। तो इसके लिए क्या करना है, SGS क्लासेज ऐप को जो है आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और उसके बाद में जो है जो भी कोर्स है, यदि आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के लिए, यदि आप साइंस से हैं तो साइंस के लिए, आपको जो है कोर्स को परचेज करके और इस तरीके से जो और बेहतरीन तरीके से आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है, तो इसके लिए यदि आप साइंस से हैं तो सन्नी साइंस क्लासेज, यह जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नोटिफिकेशन दे देते हैं कि कब किसका क्लास होगा या टाइमिंग क्या है, ठीक है, और आप लोग को मालूम ही नहीं रहता है। तो इससे आपको, यदि आप चाहते हैं पढ़ाई करना, तो आपके लिए तो ये नेसेसरी है,
ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सन्नी साइंस क्लासेज, यदि आप साइंस से हैं तो सन्नी साइंस क्लासेज को जो है आपको चैनल सब्सक्राइब जो है कर लेना है, और यदि आप आर्ट्स से हैं तो उसके लिए भी चैनल है सन्नी आर्ट्स क्लासेज। तो ये दोनों जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और इस तरीके से बेल आइकन जो भी है आपको दबा करके सब फिट रख लेना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो ससमय यानी समय के अनुसार जो है आप उससे परिचित हो जाएँ और इस तरीके से आप अपने तैयारी को और बेहतरीन लेवल में जो है कर सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि परिवर्त क्या है, ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज क्या है, यदि यह एक मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए, तो जो पड़ा था उसको खड़ा कर दीजिए, जो पड़ा था उसको खड़ा कर दीजिए, यानी रो को कलम, कलम को रो, रो को कलम, कलम को रो, तो जो रो था उसको कलम में बदल दिए, जो रो था उसको कलम में बदल दिए, तो यह क्या हो गया, यह है ए, लेकिन यह क्या है, ट्रांसपोज ए, परिवर्त ए। चलिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर समझ गए तो आइए इसका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या देना है, परिवर्त ये चल रहा है आप लोग को मालूम है, इसके प्रॉपर्टी के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर यदि मैट्रिक्स ए है और यह कोई मैट्रिक्स ए में जो है इसके एलिमेंट क्या है, तो ध्यान दीजिए इसमें जो है आपको 3, 4 और यहाँ पर 5, 0, 2, 6, 7, 1, 0 यह मैट्रिक्स ए है। अब कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का आपको जो है ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए है, लेकिन जैसे ही कहा जाएगा इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, परिवर्त ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। यह पहला रो है, ठीक है, यह दूसरा रो है और यह जो है तीसरा रो है, तो इसको जो है ट्रांसपोज ए लिखना है, यानी हिंदी में परिवर्त ए लिखना है, क्योंकि आप परिवर्त निकाल रहे हैं, आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, इसलिए जो है आपको परिवर्त ए लिखना है, ट्रांसपोज ए लिखना है, और जो इस तरीके से जो है पहले आपको ऐसे बना देना है, ठीक है, ऐसे बना देना है। तो ये जो खड़ा, ये जो पड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये जो पड़ा, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे है, क्षैतिज में है, तो इसको खड़ा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 4 और यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका बात करेंगे, तो यह जो पड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको खड़ा लिख दीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए अब जो नीचे वाला जो बच गया या जो आपको पड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको खड़ा कर दीजिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा और यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो 0 होगा। चलिए तो अब आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि जब यदि कोई मैट्रिक्स देगा तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक और हम देते हैं मैट्रिक्स, मानते हैं कि यहाँ पर जो है कोई मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी है और इसका जो है एलिमेंट 0, 1, 2 और यहाँ पर क्या है 3 है। अब इसका जो बोल दिया गया, इसका जो बोल दिया गया कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज मतलब क्या, इसका परिवर्त, तो कुछ नहीं करना है, बी है तो बी लिख दीजिए और इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ट्रांसपोज, यह पढ़ेंगे बी लेकिन यह पढ़ेंगे ट्रांसपोज बी या हिंदी में परिवर्त बी। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह पहला रो है, यह दूसरा रो है, तो पहला रो में क्या है 0, अगर इसको लिखेंगे तो इसको 0 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो इस 1 को यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यह जो दूसरा रो है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिए, जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिए, यानी रो वाला को कलम में बदल दिए। और इस तरीके से यदि रो वाला को कलम में, कलम वाला का रो में यदि आप बदलिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, परिवर्त कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है परिवर्त से कुछ मिलता जुलता है परिवर्तन, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है। अब ये देखिए,
यह कलम है और यह जो है दूसरा कलम है। तो रो है ये और ये भी रो है, तो रो वाला को कलम कर दिए, रो वाला को कलम कर दिए, और यह कलम है तो इसको रो, यह कलम है तो रो, यानी रो को कलम और कलम को रो कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यदि आप रो को कलम और कलम को रो कर दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है आप जो है परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुणधर्म क्या है आव्यूह के परिवर्त के, ठीक है, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, यानी आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए तो यह ए था, इसको पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए और इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ए, ठीक है, इसको पढ़ेंगे बी और इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज बी। आइए एक और जो है हम लोग देखते हैं, एक और जो है यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, यहाँ पर जो है कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, और देखिएगा कि जब बी ले लेते हैं, या इसका नाम हम लोग सी दे देते हैं, इसमें जो है आपको 3 0 2, ठीक है, और जैसे ही कहेंगे इसका सी डैश निकालिए, सी डैश नहीं बल्कि ट्रांसपोज सी, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे अगर इसके जैसा लिखना, तो हम यहाँ पर अगर इसके जैसा यहाँ पर लिखना होता तो 3 को यहाँ पर लिख देते, 0 को यहाँ पर और 2 को यहाँ पर, तो 3 को यहाँ पर लिखिए, लेकिन 0 को इसके बगल में लिखते ना तो उसको नीचे ही लिख दीजिए, और इसको जो है यहाँ पर लिखते, यानी 0 के बाद में 2 है तो 0 के बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, तो इसको पढ़ेंगे सी और इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज सी, परिवर्त सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि इसमें रो कितने हैं, इसमें रो जो है आपको 1 है और कलम 1 2 3, 3 ठो क्या है तो कलम है, लेकिन इसमें जो है रो कितने हैं, 1 2 3 3, और कलम कितने हैं, कलम कितने हैं, वो 1 है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो यहाँ पर इसका कोटि क्या है, 1 × 3 है, लेकिन यहाँ पर इसका कोटि क्या हो गया है, तो यहाँ पर इसका कोटि जो है 3 × 1 हो गया है। तो इससे एक बात समझ में आता है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो उसके साथ ही साथ उसका कोटि भी बदल जाता है, उसका ऑर्डर भी बदल जाता है। तो यदि यह कोई सी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज किया गया है तो इसका कोटि पहले क्या था, 1 × 3 था, लेकिन ट्रांसपोज के बाद जो है 3 × 1 हो गया है। तो ट्रांसपोज करने से, परिवर्त करने से कोटि भी बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो हैं गुणधर्म को देखते हैं, किसको देखते हैं, गुणधर्म को देखते हैं, और किसके गुणधर्म के, तो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, यानी जो हम लोग परिवर्त पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रांसपोज के गुणधर्म क्या होते हैं, इस पर जो है हम लोग विशेष तरीके से जो है बात करेंगे। तो देखिए गुणधर्म के बारे में याद रखिएगा, गुणधर्म यानी आव्यूह के परिवर्त का आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज मैट्रिसेज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, इसका पहला गुणधर्म आता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसका आप ट्रांसपोज करते हैं और फिर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, ए कोई यदि मैट्रिक्स है और यदि आप उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर एक बार और ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी किसी मैट्रिक्स का दो बार जो है परिवर्त करेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स का दो बार परिवर्त करेंगे, दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले ए था, एक बार ट्रांसपोज किए, फिर एक बार और ट्रांसपोज किए तो ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, बी कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर एक बार और ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, बी ही प्राप्त होगा। अगर सी कोई मैट्रिक्स है और उसका एक बार ट्रांसपोज किए और फिर एक बार और ट्रांसपोज किए यानी परिवर्त किए तो क्या प्राप्त होगा, सी ही प्राप्त होगा। अगर कोई मैट्रिक्स डी है और उसका एक बार ट्रांसपोज किए और फिर एक बार और ट्रांसपोज किए तो क्या प्राप्त होगा, डी ही प्राप्त होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ई है और उसका एक बार ट्रांसपोज किए फिर एक बार और ट्रांसपोज किए तो क्या प्राप्त होगा, ई ही प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है और उसका एक बार ट्रांसपोज किया जाता है और फिर एक बार और ट्रांसपोज किया जाता है, यानी दो बार ट्रांसपोज, दो बार परिवर्त किया जाता है तो वह सेम का सेम मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। आइए इसको जो है एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग जो है सिद्ध कर देंगे यह सही बात है कि गलत बात। देखिए, अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर 1-2, 3 और यहाँ पर जो है 4 आ गया और इसका एक बार जो है ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए। तो 1-2, तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपको 1 और 2 यहाँ पर, तो नीचे में 2, 3-4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोज ए है और इसका एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इसका जो है एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर ना होकर के 3 यहाँ पर, -2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। तो यह जो है, यह जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 1-2, 3-4 1-2, 3-4 यह किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं। तो ए कोई मैट्रिक्स था और उसका दो बार जब ट्रांसपोज कर दिए तो हमको जो है ए ही प्राप्त हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज फिर एक बार और ट्रांसपोज इक्वल किसको होगा जी, तो ए के, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए एंड एक बार और ट्रांसपोज यानी ए का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, यानी पहले जो मैट्रिक्स था वही प्राप्त होगा।
यह पहला प्रॉपर्टी है। यह कौन सा प्रॉपर्टी है? पहला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि दो नंबर में, दो नंबर क्या है? तो दो नंबर आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर a प्लस, अगर यहाँ पर कोई k है और यहाँ पर a है, जब k और a का ट्रांसपोज कीजिएगा तो k पर कोई ट्रांसपोज नहीं लेकिन a का ट्रांसपोज होगा, k पर नहीं a पर होगा। तो k क्या है? k एक अचर है, k क्या है? एक कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा जब भी आपको दिखाई दे k और a और इसका होल ट्रांसपोज, तो सिर्फ और सिर्फ a का ही ट्रांसपोज होगा, k का ट्रांसपोज नहीं होगा, k का ट्रांसपोज जो है नहीं होगा। तीसरा प्रॉपर्टी पर जो है हम लोग गौर करते हैं, थ्री नंबर, a प्लस बी अगर इसका ट्रांसपोज किया जाएगा, जब भी आपको दिखाई दे कहीं, ध्यान दीजिए, जब भी आपको दिखाई दे कि a प्लस बी और दोनों पर ट्रांसपोज है तो a पर भी ट्रांसपोज होगा और प्लस है तो प्लस, और b पर भी, यानी a का भी ट्रांसपोज होगा प्लस b का भी ट्रांसपोज होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता। चलिए फोर नंबर जो है हम लोग देखते हैं कि अगर a और b कोई मैट्रिक्स है और इसका होल ट्रांसपोज है तो बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है a और b है और इसका होल ट्रांसपोज है, यहाँ पर a और b है और यहाँ पर भी होल ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर प्लस था तो इसीलिए a का भी ट्रांसपोज हुआ और प्लस है तो प्लस, और b का भी ट्रांसपोज हुआ, लेकिन यहाँ पर भी a और b है और बीच में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, गुना है। तो आप कहिएगा कि a का भी ट्रांसपोज और गुना है तो बीच में तो गुना है ही, और b का भी ट्रांसपोज। तो यदि आप ऐसा आप बता ही देते, जब यह बात आपको मालूम ही होता तो मेन पॉइंट के रूप में इसको, मेन ऑब्जेक्ट के रूप में जो है इसको क्यों लिया जाता, जब यह आप बात जानते ही? तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और बीच में इनटू है और होल ट्रांसपोज है तो कुछ नहीं कीजिएगा, b का ट्रांसपोज होगा, मतलब पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, और दोनों का तो ट्रांसपोज होगा ही। तो जब भी आपको दिखाई दे कि a और b और होल ट्रांसपोज रहे तो b वाला का ट्रांसपोज पहले और a वाला का ट्रांसपोज जो है बाद में। चलिए तो यह जो है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज को जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम लोग एक और चीज़ को समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आपको ध्यान देना है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। क्या ध्यान देना है? सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो देखिए सममित आव्यूह, सममित, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो विषम सममित आव्यूह। चलिए तो सममित आव्यूह, अगर कोई यहाँ पर मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है तो यह क्या है? सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह है। इसको क्या बोलते हैं?
सीमेट्रिक, सीमेट्रिक मैट्रिसेज। अगर कोई आव्यूह ए है, अगर कोई आव्यूह ए है और इसका जो है ट्रांसपोज करने पर माइनस प्लस ए के बराबर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो सममित आव्यूह बोलेंगे। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, देखिए अगर यहाँ पर हम जो है एक ठो ले लेते हैं, चलिए अगर यहाँ पर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और रूट थ्री दो तीन दो माइनस एक दशमलव पाँच माइनस एक तीन माइनस एक और यहाँ पर एक, तो यह क्या है, जब जो है आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो यह ए है और इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, इसका जब आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, यह जो आपको पड़ा दिखाई दे रहा है, जो आपको पड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए जो आपको जो है पड़ा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यानी रूट तीन दो और फिर यहाँ पर हो जाएगा थ्री। अब आते हैं नीचे वाला पर, इसके नीचे जो है यह जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है उसको जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा, फिर माइनस एक दशमलव पाँच हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। चलिए चलिए उसके बाद में क्या है, नीचे वाला है, तो यह जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसको जो है यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पे, तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा, थ्री होगा, माइनस वन होगा और फिर यहाँ पर वन होगा, यानी यहाँ पर जो था ए था तो इसका ट्रांसपोज कर दिए, पढ़ेंगे ट्रांसपोज ए, तो जब ए था इसका ट्रांसपोज करने पर कितना आ गया, तो इसका ट्रांसपोज करने पर रूट तीन दो तीन दो इतना माइनस एक दशमलव पाँच माइनस एक तीन माइनस एक और यहाँ पर एक आ गया। यह देखिए क्या इसमें और इसमें अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यह जो है यह तो फिर ए के ही बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए देखिए कि ट्रांसपोज ए जो है, क्या ट्रांसपोज ए जो है यह किसके बराबर है, यह जो है ए के बराबर है, ट्रांसपोज ए जो है यह ए के बराबर है। तो जब इस तरीके से आपको मिले तो समझिए, जब ए का ट्रांसपोज कीजिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और उसका यदि आप ट्रांसपोज कीजिएगा और वह फिर ए के ही बराबर हो जाएगा, तो वह जो मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा सममित आव्यूह यानी सीमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विषम सममित आव्यूह। ध्यान दीजिएगा,
उसका नाम क्या है, विषम सम्मित अवयु। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, विषम सम्मित अवयु, विषम सम्मित, विषम सम्मित अवयु, विषम सम्मित अवयु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो इसके लिए याद रखना है, यदि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और उस मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी परिवर्त निकालते हैं, और वह जो है माइनस ए के बराबर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयु बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज बोलेंगे। अब जैसे ही एनसीईआरटी का ही उदाहरण हम लेते हैं, देखिए एनसीईआरटी का ही उदाहरण हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, ठीक है, और यह जो है जीरो है, ठीक है, फिर यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जीरो, ठीक है। अब यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। यह कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ए, यानी परिवर्त ए, और इसको सिर्फ ए पढ़ेंगे। तो जो आप यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं पड़ा, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए खड़ा। तो कितना है, जीरो है, फिर क्या है, ई है, और फिर यहाँ पर एफ है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से हटाइए, और इसके बाद बोलिए क्या, तो नीचे वाला पर आइए। नीचे वाला क्या है जी, जो नीचे है उसको जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, जो ऐसे था उसको ऐसे कर दीजिए। तो इसके पूंछ पर देखिए, टैल पर, पूंछ मतलब टैल, तो पूंछ पर क्या है, यहाँ पर पूंछ है, माइनस ई है, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस ई, फिर जीरो है तो जीरो, और फिर माइनस जी है तो माइनस, नहीं नहीं नहीं, प्लस जी है तो प्लस जी, ठीक है, माइनस ई जीरो जी, माइनस ई जीरो जी। इसको यहाँ से हटाइए, अब बताइएगा आप क्या किया जाए, आगे जो है क्या किया जाए, बताइए आगे जो है क्या किया जाए। तो अब इसके नीचे वाला पर आइए, यह जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है पड़ा, तो इसको लिखना है आपको खड़ा। तो पूंछ यहाँ पर है, पूंछ पर क्या है, माइनस एफ, तो पूंछ पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ, फिर यहाँ पर माइनस जी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और इसको यहाँ से हटाना है, और इसको जो है यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह और यह क्या सेम है, तो सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप यह जो मैट्रिक्स है, यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से, यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से यदि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं,
तो क्या होगा? अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? ये तो जीरो का जीरो हो जाएगा, यह माइनस में है तो यह प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यह जीरो का जीरो रहेगा, और यह क्या है, माइनस में है तो यह हो जाएगा प्लस में, यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में है तो किस में होगा, माइनस में, और यहाँ पर फिर जीरो। ठीक है, अब देखिएगा क्या यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स सेम है। जीरो ई एफ, जीरो ई एफ, माइनस ई जीरो जी, माइनस ई जीरो जी, माइनस एफ माइनस जी, माइनस एफ माइनस जी, जीरो जीरो, तो यह और यह मैट्रिक्स जो है सेम है, तो यहाँ पर बराबर दे देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं है, मतलब इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो जब आप ए का ट्रांसपोज किए तो क्या निकला, माइनस ए निकला, यानी जब आप ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आया, माइनस ए प्राप्त हुआ। ठीक है, माइनस ए प्राप्त हो गया। तो जब ए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर होगा, ए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर होगा, तो वह जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो विषम सममित आव्यूह बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेज बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आव्यूह को जो है क्या बोलेंगे, तो विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। तो यह था विषम सममित आव्यूह। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझे कि परिवर्त क्या है, आव्यूह का परिवर्त क्या है, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म कितने होते हैं, मतलब कौन कौन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सममित आव्यूह क्या है, और फिर उसके बाद देखे कि विषम सममित आव्यूह क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, और इस तरीके से जो हम लोग, तो सबसे पहले आव्यूह के परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह को जो है देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 3.12 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।